छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले के धर्मनगरी डोंगरगढ़ में अब तक सबसे बड़ा जमीनी फर्जीवाड़ा सामने आया है, जो किसी फर्क सिर्फ इतना ही है, यह फर्जीवाड़ा किसी भूमाफिया ने नहीं किया बल्कि एक विलास जम्बालपुर नाम के व्यक्ति ने किया है। आरटीआई के तहत जानकारी निकालकर डोंगरगढ़ के सबसे बड़े जमीन फर्जीवाड़ा का खुलासा किया गया, क्योंकि फर्जीवाड़ा भी छोटा मोटा नहीं बल्कि करोड़ों में किया गया है। सूचना के अधिकार से मिली जानकारी के अनुसार नजूल शहर डोंगरगढ़ शीट क्रमांक 1 भूखंड क्रमांक 405, जिसका वास्तविक क्षेत्रफल 5000 स्क्वायर फीट है और यह जमीन वर्ष 1972 के 2012 तक शेख वजीर शेख अंजनू निवासी डोंगरगढ़ के नाम से दर्ज है। इसी जमीन को 2012 में तहसील न्यायालय डोंगरगढ़ में फर्जी चलाकर तत्कालीन कार्यभारित नजूल निरीक्षक ताराचंद भाड़रे एवं तत्कालीन तहसीलदार सुंदरलाल धित लहरे के द्वारा कूट रचना कर न सिर्फ विलास जम्बालपुर एवं अन्य के नाम दर्ज किया गया बल्कि उसके क्षेत्रफल में भी छेड़छाड़ कर उसे 1,35,036 स्क्वायर फीट कर दिया गया है, जो वर्तमान तक दर्ज है। मामला प्रकाश में आने के बाद तत्कालीन SDM प्रेम प्रकाश शर्मा के द्वारा मामले को गंभीरता से लेते हुए एक जांच टीम गठित की गई, जिसमें 2 राजस्व निरीक्षक एवं 1 जुलूस निरीक्षक को शामिल किया गया है। इस मामले में 2 प्रकरण तैयार किए गए हैं, जिसमें 1 प्रकरण बड़े हुए क्षेत्रफल 1,35,036 स्क्वायर फीट को वास्तविक क्षेत्रफल 5,000 स्क्वायर फीट में परिवर्तन करने तथा दूसरा प्रकरण 5,000 स्क्वायर फीट के लिए शेख वजीर के वारिसनों द्वारा दायर अपील प्रकरण चलाया गया। SDM शर्मा का तबादला हो गया और अब उनके स्थान पर नए SDM अवनीश भोई आए हैं। अब देखना यह होगा कि क्या जिस जांच का कोई कार्यवाही अमली जामा पहनाने का बड़ा बीड़ा तत्कालीन SDM ने उठाया था, उसे नए SDM अवनीश भोई आगे बढ़ाते हैं या नहीं। ये फेसबुक में आ रहा था और क्या कहते पेपर के वो माध्यम से हमको और अपना TV वगैरह के माध्यम से इन सब बातों की हमको जानकारी होते गई सर। तो फिर हम लोग इसका एक बार फिर अपना वो करेंगे, ऐसे करके जमीन हमको मिलना चाहिए करके इसके लिए हम आवेदन लगाने के लिए SDM सर के पास आए थे। और हमारे बच्चे भी बोल रहे हैं कि भाई अब हम सक्षम हो गए हैं और हमारा जमीन यहाँ पर है, तो हम अपने जमीन क्यों किस माध्यम से उसने अपने नाम में कराया है, तो उसकी हमको पूरा शासन आप लोगों के द्वारा रजिस्ट्री नहीं की गई जमीन की? नहीं सर, कभी किसी ने हमने आपके पिताजी शेख वजीर के नाम से है। शेख वजीर के नाम से शेख वजीर ने कहीं नहीं कर दिया पहले जो आपकी जानकारी में सवाल ही पैदा नहीं हो, तो पहले ही इंतकाल हो गए थे ना, उससे तो कोई प्रमाण आपके पास शेख वजीर के नाम पे प्रमाण वही है। हमारा यहाँ शासन से जाती थी हमारे पास, ये जमीन आपका यहाँ पर है, 24 साल का टैक्स हमने पटाया हुआ है, नवीनीकरण के लिए हमारे पास आवेदन आया हुआ था, इसके माध्यम से हमको पता है कि हमारी जमीन यहाँ पर। कितने बार नोटिस गया यहाँ से? यहाँ से सर 1985 में एक नोटिस गया, एक ही बार, उसके बाद नहीं गया, उसके बाद नहीं गया। जवाब दिया उसके बताए ना सर, हमने बताया ना कि उसी माध्यम हमारे जेठ जी जल कर इंतकाल हो गए थे, उस परेशानी में घिरे हुए थे, फिर हमारी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, रोज कमाना रोज खाना लगा हुआ था, इसके कारण हम यहाँ पर पट्टा क्या है अपनी स्थिति जो है, बच्चे थोड़े समझदार हो गए हैं, बड़े हो गए हैं, इसकी जानकारी हमको फिर मिली है। जमीन है अपना, आज निकल बनाएंगे करके हम लोग रखते हैं। हम लोग ने तो आप लोग जब यहाँ लोकल रहते हुए भी एक बार वहाँ जा करके देखना उचित नहीं समझो स्थान पे कि आपकी जमीन अभी है कि नहीं है? वो तो जमीन हमारी है, वो तो सरकारी जो चीजें जो है कोई भी नाका लगा लेता, कोई वहाँ नया निर्माण नहीं किए थे नाका वाले से, हमको कोई परहेज नहीं था, लेकिन हमको अभी ऐसा सुना ही आ रहा है कोई घेरा मारा है, ऐसा है क्या है ये, क्या क्या हुआ इसके बारे में, उसके बाद हम लोग मुद्दा उठाए हैं कि हमारी जमीन पे कौन कब्जा कर रहा है। पट्टे कैसे चल रही है क्या? पट्टा जा करके देखे, तार का घेरा लगा हुआ है, जल के खत्म हो गए थे हमारे जेठ, उसी दरमियान पट्टा जल के खत्म हो गया था, उनकी दिमागी संतुलन थोड़ी ठीक नहीं थी, और पहले समय के लोग थैले में रख देते थे, थैले में रखा हुआ था, मिट्टी तेल डाले और कागज है करके अपना वो चूल्हे से निकाले कागज और जला लिए अपने। 1985 नोटिस भी जारी हुआ था, नोटिस जारी हुई थी की भी जो है शासन को इंक्वायरी करना चाहिए और इसका जो है पूरा अगर गलत किया है तो इसकी सजा मिलनी चाहिए। आपका तहसील नंबर क्या है? 405। क्या छेड़छाड़ इसमें संलग्न किया ना 3 एकड़ और उसमें कैसे संलग्न हो गया, किसने बेचा, किससे खरीदा? हमारी जमीन तो 5,000 वर्ग फुट है, ना नीचे है ना ऊपर है,
तीन एकड़ और दस डिसमिल को कैसे अपना कैसे परिवर्तित किया तीन एकड़ दस, इसमें कार्रवाई होनी चाहिए। शासन से हमारी ये मांग है और हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे, हमारे इतना बड़ा परिवार है, आज हमारे बच्चे जो है हम इनको मकान की जरूरत है और ये हमको कमजोर देखकर ही दबा रहे हैं। विलास कुमार जामुलकर जो अपने आप को नवभारत का प्रतिनिधि कहता है और ये शायद मेरे ख्याल से मेरा मानना है कि इसी यही काला पीला करने के लिए इसने मतलब पत्रकारिता जगत में कदम रखा है और पत्रकारों को बदनाम भी करने की साजिश मतलब इससे गरमा भी धूमिल हो रही है। खसरा नंबर 405 5000 वर्ग फीट को जिसे अधिकारियों के साठ गांठ से मिल करके इन्होंने 135,000 फीट बढ़ाकर फर्जी तरीके से मतलब अधिकारियों से साठ गांठ करके किया गया और पूरा मोहल्ला अपने नाम में बताता है, अपने परिवार के 6 सदस्यों के नाम में करवा लिया है। ये समस्या पर लगता है कि ऐसा कैसे हो गया कि किसी भी प्रकार से रहने वाले अछोली की है तो डोंगर में की जमीन कहाँ से आ जाएगी, यही बात है। ये जांच का विषय बनता है और इस पर जांच होनी चाहिए। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।